गुरुद्वारा टोका साहब जो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई धरती है, उस पे वहाँ के कुछ प्रबंधक जिन्होंने सेवादारों के साथ अशोभनीय हरकतें जिनका मैं वर्णन करना उचित नहीं समझता, जिनके बारे में बात करना उचित नहीं समझता, ऐसी हरकतें की है जो नाकाबले बर्दाश्त हैं। और मैं ऐसे प्रबंधकों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनको कतई गुरुद्वारा साहिब में प्रबंध करने का हक इलाके के लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी करैक्टर के ऊपर उंगली उठती हो। मुझे पता चला है कि पहले भी नारायणगढ़ गुरुद्वारा के में भी उनके साथ ऐसी अपाजनिक स्थिति में वो पकड़े गए थे। सो मैं इलाके के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को वहाँ का प्रबंधक होने का हक नहीं होना चाहिए और ना उन्हें रखना चाहिए। और मैं सरकार से भी ये आग्रह करता हूँ कि एक तरफ हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेटियों के ऊपर ऐसे धार्मिक स्थानों के ऊपर जाकर भी अगर अत्याचार होगा तो ये सब स्लोगन जो हमारे हैं वो कैसे पूरे होंगे। पुराने सेवादार जी रहने 8-9 साल तो जी ये तीन बंदे जी उत्ते गए गर्जेंट साहब ते थले खड़े सीढ़िया प्रधान जी भी बीच वाली मंजिल में दो बंदे उपर भेजे जी ने बुला के लिया ते जी मैं आई नहीं उपर से आवाजा मारते रहे प्रधान जी ने गाला कड़िया गंदी गंदी गाली काढ़ लगे साड़ी नीचे लिया खिंच के वाले तो पकड़ के फिर भी मैंने सोचा भी चल चले जाएंगे कोई बात नहीं जी ये नहीं गए। फिर ऊपर से हम आने लगे दरवाजे के साथ प्रधान जी चिपक के खड़े हुए मैंने सोचा चले गए जब माए मेरे साथ इन्होंने हथी पाई बहुत जबरदस्त करी जी मेरे साथ जी। मैं फिर जी काले अंब जाके रिपोर्ट भी करी भी कोई कार्रवाई नहीं की हो रही भी होनी चाहिए बहुत ज्यादा देन दे धमकियां के बच्चे बिठा लेंगे वो ऐसे कर देंगे फलाना कर देंगे घर गए लड़की के हाथ के नंबर भी लिख के इन्होंने भेजा ये कमरे बाबे वाले छोड़ दो आपको हम एसी वाला कमरा देते हैं। 6 महीने तो जी मेरे पीछे पड़ रखे प्रधान जी तो ये चले जाएंगे इतने छोड़ छाड़ के इतना कितना चल जी इन्हें मौका नहीं मिलता उस दिन इसको मौका मिला भी दूध गर्म कर ली दोपहर का टाइम कोई नहीं आन के मेरे हाथी भाई बेइज्जती करना पड़ेगा नहीं भाग के मेरे पीछे पड़ा रोला रोला पाया लोग कट्ठे हो गए क्यों नहीं इसकी पैरवाई हो रही पैसा भी कर रही पहले भी एक दो बार आया भी मैंने सोचा चलो प्रधान जी मारी बदनामी होगी प्रधान जी की बदनामी होगी गुरुद्वारे की बदनामी होगी